हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ मीठी ब्लॉग में आपका स्वागत है। टाइटल देखिए, आप लोग तो पहले ही समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक में आज बात करने वाला हूँ। तो सभी में यूट्यूबर फैमिली को मैं बताना चाहता हूँ जो इस चैनल पे बिगनर है, मैं उनके लिए इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं खुद इस चैनल में बिगनर हूँ और बहुत सारे लोगों का जो चैनल्स ऑलरेडी मोनिटाइज हो रखा है और जहाँ तक है जो ऑलरेडी उनके चैनल्स इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, मैं सभी लोगों का चैनल्स में देखा हूँ। तो मुझे लास्ट में ये लगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि ऐड प्रमोशंस करो, बहुत लोग बोलते हैं कि ये टिप्स एंड ट्रिक टेक्निक जो भी है उनका फलना ढकना चकना जो भी आइडिया से वो शेयर करते हैं। देखिए, ये सब चीज़ जो भी हैं मैं बता दे रहा हूँ कि अभी ऐसा हो गया है कि यूट्यूब में जितने भी हैं आम लोग जो जनरली जो यूट्यूबर्स हैं जो स्टार्टअप अभी करना चाह रहे हैं इस चैनल में आके अपना कोई भी चीज़ का, तो क्या होता है कि लोग अपने व्यूवर्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन भी बढ़ाना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि एक साल के अंदर हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो इस चक्कर में क्या है, लोग पैसे देके भी मोनेटाइज करवा रहे हैं, गलत एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि गलत इस्तेमाल जो भी है, आप किसी भी तरह का एप्लीकेशन का इस्तेमाल ना करें, एक लीगल तरीके से मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप एक साल में हो जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं लोगों तो यही मैसेज देना चाहता हूँ, किसी चक्कर में ना पड़े, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और जहाँ तक की बात है कि मैं खुद इस चैनल में नया हूँ और मैं खुद एक रोज़ वीडियो डालता हूँ, मेरे खुद ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, मेरे को तो फेमस हो नहीं, फिर भी मैं सजेशन करूँगा कि आप रोज़ वीडियो डालें, ठीक है। आपका जो भी कंटेंट है खुद का होना चाहिए, किसी तरह का कोई भी कंटेंट आप दूसरे का मतलब यूज़ किया हुआ करने इस्तेमाल ना करें, खासकर यूज़ जो कंटेंट होगा उनको इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी गाना का कॉपीराइट ना करे, इसी क्या होगा चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपने चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे क्या, आप खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे अगर गलत तरीके से आप चैनल के व्यूज़र्स को बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाह रहे हैं, वॉच टाइम को कम्प्लीट करना चाह रहे हैं, जो 4000 घंटा का जो वॉच टाइम है उसको कम्प्लीट करना चाह रहे हैं, तो ये गलत तरीके का इस्तेमाल ना करें। आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आई होप कि कोशिश करता हूँ कि एक साल के अंदर मैं अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकूँ। आज मेरे पास कुछ नहीं है, उतना फैसिलिटीज़ नहीं है बहुत कुछ करने का, एडिटिंग मुझे उतना खास आता ही नहीं है, मोबाइल पे कर लेता हूँ ठीक ठाक। बस मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे आई होप कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, और अगर एक साल में नहीं हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिए। इतना तो है कि अगर 1 ईयर में अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है तो आपके व्यूवर्स तो बढ़ेंगे ही रहेंगे, सब्सक्राइबर तो कुछ ना कुछ आएंगे ही आएंगे एटलीस्ट। तो ऐसा नहीं है कि आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, एटलीस्ट जो भी बढ़ेंगे जेन्युइन कस्टमर होंगे, जेन्युइन वहाँ पे जो है आपके रियल जो व्यूवर्स होंगे, आपके रियल सब्सक्राइबर्स होंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपके लिए आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि गलत चक्कर में ना पड़े, ठीक है। पैसे देके तो खासकर व्यूवर्स बढ़ाने की कोशिश ही ना करें, ये गलत तरीके से। लास्ट में क्या होगा कि यूट्यूब वाले क्या करेंगे, आपके चैनल पर स्ट्राइक डाल देंगे, लास्ट में सर पकड़ के आप बैठ जाएंगे। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे भारत।